स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल साईं ऑटोमोबाइल्स में। रिसेंटली हमने हमारे चैनल पे एक स्विफ्ट कार का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हमने उसे रिफ्रेशिंग लुक देने के लिए उसे ड्यूअल टोन पेंट शेड में पेंट किया था। उसी वीडियो से इंस्पायर होकर हमें एक कस्टमर ने अप्रोच किया अपनी फॉक्सवैगन वेंटो कार को लेकर। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कार 2017 मॉडल फॉक्सवैगन वेंटो है, जो कि टॉफी ब्राउन कलर में है। कार को यूनिक लुक देने के लिए कस्टमर को हमने अपनी तरफ से कुछ एडिशनल एडवाइसेस दी, जैसे कि इसके शोग्रिल और लोअर ग्रिल एरिया को हम पियानो ब्लैक शेड में पेंट करेंगे। सेकेंडली आप इस पे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसके राइट फेंडर और फ्रंट बम्पर भी डैमेज है, जिसे हम रिपेयर करेंगे और फिर बाद में पेंट करेंगे। चैलेंजिंग सिर्फ ये नहीं था कि हमें कार के लुक को एनहांस करना है, बल्कि चैलेंजिंग ये था कि हमें कुछ अलग करना है, जिससे हम कार के फिजिकल अपीयरेंस को यूनिक बना सके। और दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी तब होती है जब हम किसी अलग तरह का पेंट शेड यूज करते हैं। कार के लुक को एनहांस करने के लिए कस्टमर अपने रूफटॉप और मिरर्स को रेगुलर ब्लैक कलर से ना हाईलाइट करने के अलावा हमने कस्टमर को अपनी तरफ से कुछ अलग शेड की एडवाइस दी। ऐसे में दोस्तों, हमने कस्टमर को रेगुलर ब्लैक कलर के अलावा गोल्डस्मिथ ब्लैक कलर करने की एडवाइस दी, जो कि है तो ब्लैक कलर बट उसमें काफ़ी ज़्यादा पर्ल इफेक्ट भी है, जो है गोल्डन शेड का, जिसका दोस्तों लाइट गिरने पर जो शेड दिखता है वो गोल्डन कलर की तरह दिखता है, जिससे ना कि सिर्फ कार का लुक एनहांस होगा बल्कि कार को एक वॉ फैक्टर भी मिलेगा। थोड़ी देर पहले मुझे ये वेंटो कार के कस्टमर का फ़ोन आया था, जिन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि उनकी कार का पेंटिंग का काम चालू है, तो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि इस कार के ग्लास एरिया में भी यहाँ पर थोड़ा सा कलर शिफ्ट हुआ है। कस्टमर यहाँ पर मैग्नेटिक कर्टन लगाते थे, जिसके चलते यहाँ पर और इसके साइड बॉडी फ्रेम पर भी कलर शिफ्ट हुआ है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि इसे भी हम कवर करें। अब आप कई बार कस्टमर से हर चीज़ के लिए पैसे नहीं ले सकते, बेसिकली बिजनेस सिर्फ पैसे पे नहीं होता है दोस्तों, आपको रिलेशन भी संभालने पड़ते हैं। तो हम कस्टमर को ये काम करने के लिए ये पूरा साइड बॉडी पैनल इसका हमें पेंट करना पड़ेगा, साथ में ये जो विंडो फ्रेम है इसे भी हमें कवर करना होगा पेंटिंग में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी इस कार का जो है पेंटिंग के दो स्टेजेस कंप्लीट हो गए हैं, स्टेज वन और स्टेज टू। अब ये कार फाइनल पेंटिंग की तैयारी में है। कस्टमर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न था उसकी व्हील आर्च का, व्हील आर्च ने प्रॉपरली शेप ले लिया है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप नज़दीक आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो हल्का येलोविश जो नज़र आ रहा है, ये इसे हम फाइन पुट्टी कहते हैं, चेक पुट्टी भी कहते हैं इसे, जाकि जहाँ पर कहीं कोई माइनर डिफेक्ट वगैरह अगर सरफेस पर रहता है तो उसे कवर करने के लिए काम आता है। दोस्तों, कई सारे वर्कशॉप्स में लोग अपनी गलतियों को हाइड करते हैं, यहाँ पर बस बताना चाहूँगा कि हमसे काम करते समय एक छोटी सी गलती इसमें हो गई थी। वो था कि जब हम फेंडर और बम्पर को पुट्टी और प्राइमर कर रहे थे, तो पुट्टी प्राइमर करने से पहले हमें इसकी फेंडर की लाइनिंग को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगेन मसला भी इसका जो फेंडर पर प्लेस होता है, इसे भी बहुत निकालना ज़रूरी है, ताकि इस पर किसी भी तरह का ओवर स्प्रे वगैरह ना हो। उसको सुधारने के लिए हमने फाइनल पेंटिंग के पहले इसे भी डिसमेंटल कर लिया। ये भी मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हर कार को जितना हो सके उतना सुपरवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, ताकि कम से कम गलतियाँ आने के चांसेस हों।
क्योंकि ये कार ड्यूअल पेंट शेड में पेंट होने वाली थी, इसलिए सबसे पहले हमने इसका बॉडी कलर का जॉब कंप्लीट किया। फिर इसके बाद जो हम इसके रूफटॉप और ORVMs को हाइलाइट करने वाले थे उसके लिए हमने इसे रेडी की। दोस्तों ओवरऑल कार की फिनिश को कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए हमने यहाँ पर एक OPS शीट का यूज़ किया है, जिससे पेंट करते समय जो भी डर्ट है या ओवर स्प्रे है कार उससे पूरी तरह सेफ रहती है। साथ ही कार को मास्क करने के लिए हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव होता है। दोस्तों पेंट शीट बहुत ही यूनिक है, इसीलिए इसे बहुत ही पेशेंटली हमें सभी टेंटर्स और बाइंडर्स को करेक्ट प्रपोर्शन में ऐड करना था, अदरवाइज इसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल उल्टा हो सकता था। ऐसे कलर्स में जब हम कार को पेंट बूथ के अंदर पेंट करते हैं तब कलर शेड का अंदाज लगाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रूफटॉप पे बेस पेंट अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर हमने दोस्तों हाई ग्लॉस क्लियर का यूज़ किया है। इसके दो एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला कि वो ओवरऑल रूफ को बहुत ज़्यादा शाइन देगा, दूसरा ये यूवी रेस से उसको प्रोटेक्ट भी करेगा। एक अच्छे प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए कई सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्किल्ड वर्कर और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपको अच्छा पेंट मटेरियल यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके ओवरऑल काम के फिनिश अपने आप दिख कर आएगी। इस कार के ब्रेक ड्रम्स को भी हमने दोस्तों इसके ओरिजिनल कलर्स में रिस्टोर किया है। यहाँ पर हमने किसी भी तरह का ऐसे लाउड कलर नहीं दिया है, कस्टमर को अपनी कार को बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और सिंपल रखना था। क्योंकि कार का जो कलर था वो बहुत डल नज़र आ रहा था, इसीलिए हमने कस्टमर को डिलीवर करने से पहले इस पर एक डिटेलिंग का भी काम कंप्लीट किया। Thank you.
मैं कह सकता हूँ दोस्तों वाव, इस कार में जो वाव फैक्टर है वो इजिली नोटिसेबल है। जिस तरह से ये कार हमें डिलीवर हुई थी और हम जिस तरह से कार को रिटर्न कर रहे हैं कस्टमर को, ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है। कार बहुत ही अलग दिख रही है, फिनिश को देखिए, लाइन एंड लेंथ को देखिए, ओवरऑल जो पेंट का ग्लॉस है वो कितना बढ़िया दिख रहा है, इस चीज़ को आप नोटिस करिए। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सबसे पहले कस्टमर को जिन्होंने हमें मौका दिया अपने काम को शोकेस करने का, साथ ही इस काम का जो क्रेडिट है वो हमारी टीम को जाता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर जब हम कोई नया काम हमारे हाथ में लेते हैं तो ये डिपेंड करता है आपकी टीम पर, उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो कैसे इस काम में इंटरेस्ट लेते हैं, ये उसी का रिजल्ट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह का कुछ काम अपनी कार पर कराना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साथ ही विजिट कर सकते हैं हमारे वर्कशॉप में जो कि नवी मुंबई उरन जसई में लोकेटेड है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्द।